साउथ अफ्रीका ने एक मैच कम खेला है, लेकिन हमारी नेट रन रेट देखिएगा, इसको बड़ा करिएगा, फुल स्क्रीन पे करिएगा रॉबिन, हमारी नेट रन रेट अगर आप देखेंगे तो 1.82 रॉबिन, उसको फुल स्क्रीन कर दो जरा, ये जो पॉइंट्स टेबल है 1.8 इंडिया, फिर न्यूजीलैंड, फिर साउथ अफ्रीका, बिकॉज उन्होंने, हालांकि साउथ अफ्रीका की नेट रन रेट हमसे काफी अच्छी है राइट, लेकिन ये है कि साउथ अफ्रीका फिर भी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर, बिकॉज उन्होंने दो मैच खेले, उसके बाद पाकिस्तान जो अब तीन मैच खेली है, दो जीती है एक हारी है, और उनकी भी नेट रन रेट आज नीचे माइनस में हो गई है, पाकिस्तान की नेट रन रेट, जो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जैसे जैसे आप डीप जाओ टूर्नामेंट में, बिकॉज यहां पर हो सकता है पॉइंट्स इक्वल हो और नेट रन रेट पे डिसाइड हो, तो पाकिस्तान को तो बहुत मुश्किल, पाकिस्तान ने जीता किसके साथ है यार, नेदरलैंड से जीते हो तो, श्रीलंका से जीते हो बन करके, दोनों में तुम खुशियां मना रहे हो, असली टीम साथ में आई, पकड़ पजामा हो गया तुम्हारा, पकड़ पजामा हो गया एकदम से। हाँ जी कुरेशी साहब, कुछ नहीं रहा, खुशी हुई आपको पाकिस्तान, बहुत खुशी क्यों नहीं होती, खुशी उस लेवल से नहीं हुई क्योंकि इंडिया, क्योंकि मैच उतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, मैच एक पे तो वैसे ही बोरिंग था, रोहित शर्मा मजा कर रहा भाई, अब वापस आ जा, मैच एक तो वैसे ही बोरिंग था, रोहित शर्मा आपके लिए मजा करवा रहे थे, केएल राहुल ने आके एंड ऐसा कर दिया, मतलब बस हाथ जोड़ रहे थे, मैच खत्म हो जाए यार, मैं तो ये बोल रहा हूँ, वर्ल्ड कप का लेवरेज ही खुश है आपको, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैच खत्म नहीं हुआ, फुल स्क्रीन पे आ जाइए, ये सिर्फ मैच और पाकिस्तान का पूरा वो दिखाना भी स्केड्यूल, मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से बाबर आजम का करियर खत्म है एज कैप्टन, हाँ भाई हाँ ये ले आओ, इसी का इंतजार था, लेकिन बाबर आजम बातें कर रहे हैं, ले आओ जी ले आओ, ये मंगाया जी पिज्जा आज, ये मंगा लिया पिज्जा, थोड़ा नहीं मंगाया, बहुत मंगाया, और जीतने के बाद, जीतने के बाद यार, ये तो 6 होने चाहिए थे, 4 है पीछे पड़े हुए, तो ठीक है गुड, पकड़िए ये पिज्जा चबाइए, आप एक पकड़िए, पिज्जा बोल रहे थे जी, हिंदुस्तानी पिज्जा खाना मना कर दिया जी इन्होंने, शाहीन ने पिज्जा खाना मना कर दिया था, लो जी पकड़ो, हाँ जी आगे दे दो पिज्जा, थोड़े भिजवा दे पड़ोस में, इधर ले आप पड़ोस में पिज्जा, क्या है आजकल रुमाल पिज्जा टीवी सब कुछ चलाएंगे, ये आप पकड़ लीजिए खाइए निकालिए, तो आज भैया पिज्जा आ गए, आपने बड़ा मजाक उड़ाया कि पिज्जा नहीं है, पिज्जा आपके साथ ही खाएंगे, इकट्ठे रख के उठाए ना, दिखाओ सर हमें, आगे चबाए इसको आप जी, आप ये रखना लीजिए जी, पिज्जा आ गया, पिज्जा आपने बोला हमारा मुश्किल कर दिया था, पिज्जा खाना आज आपके साथ में एंजॉय कर रहे हैं पड़ोसियों, आपके साथ में पिज्जा खाएंगे, ये थोड़ा सा फ्लेवर भी इसका दिखे वाला है, ठीक है ठीक है, ब्रांड मत दिखाओ, ठीक है पीछे रखिए वो अलग से ले, कोक दे दीजिए बस, हाँ कोक दे दीजिए, ठीक है तो पिज्जा आ चुका है ना, जिन्होंने जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था कि तुम पिज्जा नहीं खा सकते, आज धड़ल्ले से खा रहे हैं, बिकॉज चैप्टर यहाँ पे पाकिस्तान का क्लोज हो गया है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब टॉप 4 में जाएगी, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम विल कंटिन्यू एज पाकिस्तान कैप्टन आफ्टर वर्ल्ड कप, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम विल इवन बी एबल टू कंटिन्यू एज बैटर इन द पाकिस्तान 11, इसके बाद वो ड्रॉप होने वाला है, वो नहीं खेलने वाला भाई, जिस तरीके से सेल्फिश अप्रोच दिखाई है बाबर ने, दुनिया के भर के बहाने बाबर के लिए हो रहे हैं, और कैप्टनसी सुपर फ्लॉप है, लड़कों में दम है ही नहीं, टीम में दम नहीं है, आप जबरदस्ती ड्रामे कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर जबरदस्ती वही टीम लेके झगड़ा कम बोल दिया, हम तो नंबर 1 पे सोच रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तानी भी लगे हुए हैं, जीत जाएंगे हम, ये हो जाएगा चमत्कार हो जाएगा, 92 में ये हो गया था, फलाने में ये हो गया था, तो आई डोंट नो क्या करा आपने, बट रोहित शर्मा ने आज नेस्ता नाबूद करके रख दिया, रोहित शर्मा ने दिखाया यार तुम विराट कोहली के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, मेरी बात भूल गए तुम, अभी तो शुभमन गिल तुम्हें मारेगा भाई, मेरे 31 अभी तो श्रेयस अय्यर तुम्हें मारेगा, अभी तो केएल राहुल तुम्हें मारेगा, रोहित शर्मा कह रहे विराट कोहली के 47 है, मेरे 31 है, उसके बाद मैं ही हूँ, अभी आ जाओ पहले पहले मेरे से ताऊ जी हैं, अभी तब जाना वहां पर, खत्म कर दिया यार इसके बारे में, जितनी बात कम करो, देखो पाकिस्तान की टीम तो है ही, कप्तानी तो पहले से ही, पहले ही कप्तानी एक्सपोज हो गई थी, देखो वहां पे एक तलवार लटका हुआ था, एशिया कप में ये टीम एक्सपोज हो गई थी, हाँ कप्तानी में, एशिया कप में बाबर आजम एक्सपोज हो गए थे, सारा एक्सपोज हो चुकी थी पाकिस्तान की टीम, आज एक बार वंस अगेन हो गया कि भाई आपने पहले नेदरलैंड्स को हराया, वहां पर भी 38-3 हो जाते हो, श्रीलंका को हरा लिया, जैसे तैसे चेस कर लिया, इंडियन टीम जब आएगी, जब कोई बड़ी टीम आएगी आपके, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा नहीं खेल रहा ना, ऑस्ट्रेलिया भी इनको मारेगा, आज आज जिस तरीके से इंडियन टीम ने हराया है, जो इनको कहते हैं ना कि वो में लपेट के, नहीं लपेट के, कंधे के नीचे पकड़ के गर्दन से, और जो पूरा घुमाया है, मतलब पता नहीं कौन घुमा के हमारे देवता उखाड़ के फेंक दिया, घुमाया घुमाते रहे, हाँ बाली ने रावण को जिस तरीके से घुमा के रखा पूरे ब्रह्मांड में, उस तरीके से आज घुमा के जो फेंका है पाकिस्तान की टीम को, उखाड़ के आज ब्रह्मांड में, की ब्रह्मांड की सैर करा दी कप्तान रोहित शर्मा ने बाबर आजम को,
कि मैं हूं अभी अभी इंडिया एक चीज है कंपैरिजन कोई है ही नहीं कंपैरिजन भूल के ही मत कर लेना और कभी आगे मत जाना पता कर लेना बाबर आजम क्या बोल रहे हैं रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं इनकी कभी बस की नहीं थी रोहित शर्मा ने आज लेवल दिखाया कि लेवल में डिफरेंस कितना है मैं कहा हूं तुम कहा हो ये कोई टीम है इतना ओवर हाइप ओवर हाइप मैं एशिया कप से आज मैंने क्यों बोला था 95-5 क्यों बोला था 95-5 बिकॉज मुझे पता था यही होने वाला है अगर कहीं से चमत्कार से जो इनके साथ होता है फिर से आ जाए फाइनल में 100-0 बोल रहा हूं मैं इससे भी बुरी तरह हराएंगे आज तो शुक्र मनाओ इनके लिए कि इंडिया ने पहले बैटिंग नहीं करी इंडिया पहले बैटिंग कर जाती 400-450 रन मार देते हम 400-450 अभी भी तो कितना 200 रन चेस कर दिया 30 ओवर में 30 से पहले 450 रन पड़ जाता और इनसे 150 भी नहीं बनता जो 228 का भी हमने वो बनाया ना कि 228 हाईएस्ट मार्जिन वो भी तोड़ देते 300 रन से हराते हैं इनको आराम से कहीं से पाकिस्तान आसपास भी नहीं है इंडियन टीम के स्पेशली जब 50 ओवर फॉर्मेट T20 होता है तुक्का और बाबर आजम को इसलिए लोग हेल भी कर रहे थे तुक्का लग गया T20 में कि 20 ओवर में तुक्के लग गए और खुश हो गए आप बताओ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बनता था फाइनल में जाना जो जिम्बाब्वे से हार गए थे वहां पे नेदरलैंड ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड को इन्होंने वही इनके बॉलर ने अच्छा कर दिया एक दिन अच्छा हो गया पहुंच गए फाइनल में देखा था कैसे हारे थे एशिया कप फाइनल में देखा था कैसे हारे थे अभी का एशिया कप देखो कैसे हारे आसपास भी नहीं है भाई ये लोग एशिया कप पे चौथे नंबर पे आए थे बिल्कुल और यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में नेदरलैंड ने इससे भी मुश्किल पड़ गई थी इनको श्रीलंका ने 350 मार दिए थे आज इंडिया ने तो उखाड़ के रख दिया सो कहां से तुम्हें लग रहा है कि ये टीम डिजर्व कर रही है कहां से बाबर आजम को ढोके चल रहे हो भाई नहीं बनता यार ये टीम किसी भी एंगल से बिकॉज आप श्रीलंका वाला मैच भी देखो श्रीलंका वाले मैच में अगर पाकिस्तान ने 345-46 बनाए तो उनके बॉलर से खाए भी थे पहले तो बॉलर्स का वहां पर एक फेलियर नेदरलैंड्स वाला मैच सब आउट एंड आउट भूल जाए वैसे नेदरलैंड्स वाला मैच भी जब शुरू हुआ था तब पाकिस्तान की टीम प्रॉब्लम में थी श्रीलंका वाला मैच भी आपकी बैटिंग का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ था आज वाले मैच में आपकी बैटिंग पूरी नहीं चली देयर इज नो सिंगल मैच जस्ट इफ वी लीव द मैच वर्सेस नेपाल उसके अलावा पिछले दो महीने में पाकिस्तान कहीं भी कन्विंसिंगली नहीं जीता ये हुआ था जिसमें शायद मैं भी समय पर गलत था कि मेरे को लग रहा था एशिया कप से पहले ये आप बिल्कुल गलत थे बहुत सर देगा बहुत सबसे गलत आप ही थे लेकिन अगर आप और ग्राउंड यहां पर रियलिटी देखें तो कुछ भी नहीं किया है नेपाल और एक और चीज है नेदरलैंड्स इनके अगेंस्ट अच्छा कर जाते हैं जीत जाते हैं वहां भी प्रॉब्लम पड़ जाती है ठीक है जहां बात आती है ना जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ आप खेलते हो और बाबर आजम जो मैं बार बार कह रहा था ये स्क्वाड जो ये लेकर गए ये स्क्वाड नहीं जानी थी यहाँ पे जो खबरें आ रही थी कि काफी प्लेयर्स चेंज हो गए नया लड़ाई झगड़े बाबर आजम वहां पे मीटिंग हुई थी सारी चीज हुई थी वहां पे बाबर आजम ने अपना खुद का जो भी उनका पसंदीदा प्लेयर था उसे उन्हें ही लेकर देखो कोई बात नहीं जो हो गया पिज्जा तो खा लो यार पिज्जा खा लो आज पिज्जा खा लो और जो भी इनकी और टंकी के नीचे बैठ जाओ नलके के नीचे एक और चीज कोई जरूरत नहीं आंसू आए तुरंत पानी से एक और चीज भाई कि ये जो बाबर आजम ने बोला था ये बॉलिंग मेरी स्ट्रेंथ है हमारी टीम की स्ट्रेंथ है ये बॉलिंग की स्ट्रेंथ ना अभी तक मुझे दिखी नहीं है आपका हसन अली फ्लॉप हो रहा है हारिस रॉक को इतना पीट रहे हैं लोग शदाब खान क्या कर रहा है वो क्यों है टीम में मुझे तो समझ नहीं आता क्यों वाइस कैप्टन का वो दबाव है कि वाइस कैप्टन आप बाहर नहीं कर सकते हो वो प्रेशर है दूसरा आपने अगर आपका स्पिन अटैक तो फेल था ही पेस अटैक उससे भी ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहा है आपका हारिस रॉक रन खा रहा है शाहीन अफरीदी रन खा रहा है हसन अली रन खा रहा है तो आप जिसको स्ट्रेंथ कह रहे थे ना ये आपका वीक पॉइंट लग रहा है बैटिंग तो फिर भी चलो दो मैच में परफॉर्म करके गई आज नहीं करा दोबारा दोहरा रहा हूं ये पाकिस्तान की टीम दोबारा एक साथ खेलते हुए कभी नजर नहीं दिखेगी और इनकी दिक्कत है पता नितिन भाई मैं पहले भी कह रहा था कि ये ना पाकिस्तान की टीम बनती है फिर कुछ प्लेयर बाद में ड्रॉप हो जाते हैं टूर्नामेंट के बाद फिर ये रीबिल्डिंग फेज है हमारे भाई ने लाइव करा है वहां से स्टेडियम से कर पा रहा है वो हम लेटर होने वाला है चलो भाई ये तो होना ही था ईद तो देखो ईद तो साला होना ही था अच्छा मैं पढ़ता हूँ भैया बाबर आजम ने क्या बोला बाबर आजम बोल रहे वी स्टार्टेड वेल गुड पार्टनरशिप बिटवीन मी एंड इमाम वी वांटेड टू प्ले नॉर्मल क्रिकेट मी एंड रिजवान सडनली वी हैड कोलैप्स एंड डिडंट फिनिश वेल द वे वी स्टार्टेड वांटेड टू गेट टारगेट ऑफ 280-290 इतने भी बन जाता 40 ओवर विद द न्यू बॉल वी वर नॉट अप टू वी आर नॉट अप टू द मार्क द वे रोहित इज प्लेइंग ही प्लेड आउटस्टैंडिंग इनिंग्स रोहित का भी दिखा दो क्या बोल रहे हैं